मध्य प्रदेश में पटवारियों से बड़े नेताओं और मंत्री जी की स्वाभिमानी जंग छिड़ी हुई है। पटवारी अपने ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप से आक्रोशित है। वहीं मंत्री जी मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने कुछ गलत बोला। ऐसे में पटवारी से प्रताड़ित गरीब आदिवासी महिला बिकमतिया ने अनशन में बैठ सत्याग्रह का रास्ता चुन लिया है। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को गांधी के रास्ते में चल बिकमतिया बाई ने न्याय पाने सत्याग्रह का रास्ता चुना था। आज सत्याग्रह का 3रा दिन है और प्रशासन के बड़े अधिकारी अनशन स्थल के सामने से निकल रहे हैं, पर गरीब आदिवासी के न्याय की गुहार उनके कानों तक नहीं गूंजी। शहडोल सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह अनूपपुर आई और उन्होंने सत्याग्रह कर रही बिकमतिया से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। बिकमतिया ने सांसद महोदय से गले लग रोते हुए कहा कि उसे न्याय दिलवाइए, नहीं तो वह जान दे देगी। बिकमतिया का आरोप है कि पटवारी द्वारा उसे छल पूर्वक भूमिविहीन कर दिया गया, जबकि वह करोड़ों के जमीन की मालकिन है। प्रशासन की मुंह दिखाई कुछ यूं है कि महज 2 अक्टूबर को ही 1 घंटे मौन व्रत में बैठे पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्क को व्रत तुड़वाने जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर जिले के कलेक्टर एसपी एवं अन्य आला अधिकारी पहुंच गए और उन्हें मनाया भी, साथ में कार्यक्रम भी किया। पर जिला कलेक्टर कार्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी में बैठी एक बेबस आम आदिवासी बेबा बिकमतिया, जो आपके सिस्टम की शिकार है और सालों से न्याय पाने भटक रही थी और अब सत्याग्रह कर अनशन में बैठी है, उससे मिलने या उसकी समस्या सुनने की कोशिश तक नहीं की। अनूपपुर से आदर्श दुबे की रिपोर्ट।